रॉयल इनफील्ड, इस ब्रांड को कौन नहीं जानता। इस ब्रांड ने हमें ऐसी ऐसी बाइक्स दी हैं जो शायद ही कोई और कंपनी दे पाती। जो प्यार इस कंपनी को मिला है वो शायद किसी और को मिल पाता। अभी हाल ही में रॉयल इनफील्ड ने काफी अग्रेसिव तरीके से काफी सारी बाइक्स को लॉन्च किया है, जैसे ऑल न्यू क्लासिक 350, कॉन्टिनेंटल, इंटरसेप्टर, मीटियोर, और अभी रिसेंटली में कुछ इमेजेस हमारे सामने आई है जो कि एक कॉन्सेप्ट बाइक की है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। आप फोटोज में साफ साफ देख पा रहे होंगे इस बाइक को एज अ कॉन्सेप्ट ये शो की गई है, और प्रोडक्शन में आएगी या फिर कब आएगी या फिर नहीं आएगी इसके बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया। वैसे बाइक दिखने में काफी भारी दिख रही है, काफी भारी भरकम सी फील हो रही है। अभी के लिए इतना ही। फर्दर इसके बारे में अगर कोई न्यूज मिलती तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू। आपको ये तो पता है टेस्ला गाड़ियां बेचता है, लेकिन टेस्ला और भी काफी सारी चीजें बेचता है, जैसे कि सोलर पैनल, बैटरी बैकअप, ऐसी काफी सारी चीजें और भी टेस्ला सेल कर देता है। लेकिन आपको मैं ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको नहीं पता है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले से ऐसी जमीन खिसक जाएगी, आसमान फट जाएगा, आपके साथ क्या होगा आपको पता नहीं चलेगा, आपके साथ ऐसी अजीब अजीब सी चीज होंगी, आप एक गंभीर सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, मैं बता दूं कि टेस्ला टकीला भी बेचता है। अब ऐसे काफी सारे लोग जो टकीला के शौकीन हैं उनके दिल में थोड़ी हलचल सी हो गई होगी, तो उनके लिए बता दूं कि इंडिया में टकीला अवेलेबल नहीं है, जिसे वो तो कहीं से अपना जुगाड़ कर ही लेंगे। हाल ही में महिंद्रा ने अपना लोगो चेंज किया है, लेकिन महिंद्रा अकेला नहीं ऐसा करने वाला, और भी काफी सारी कंपनीज है जिन्होंने ऐसा किया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूं। पहले नंबर पे है महिंद्रा, दूसरे नंबर पे किया, आप इनके बारे में तो जानते हैं, लेकिन और भी काफी लंबी लिस्ट है, जैसे कि BMW, निसान, टोयोटा, फोक्सवैगन, ऑडी, स्टेलेंटिस, रेनो, वोल्वो, जनरल मोटर्स। इतना कुछ मेजर चेंज नहीं किया है, कुछ अपडेट्स किए हैं जो कि काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि शाओमी की तरह स्क्वायर लोगो उठाया और उसको कोनस में से राउंड करके और बोल दिया नया लोगो है। नई वाली ब्रेज़ा की कुछ इमेजेस निकल करके आई है और वो इमेजेस आप लोगों के सामने है। अभी थोड़े दिन पहले कुछ इमेजेस ऐसी ही बलेनो की भी निकल करके आई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो ये वाली जनरेशन ब्रेज़ा की होने वाली है काफी बढ़िया दिख रही है, काफी शार्प हमें इसके हेडलाइट्स मिलती है और रियर लाइट्स मिलती है। फोटो से साफ साफ पता लग रहा है कि इसके अंदर हमें डैशबोर्ड पे एक फ्लोटी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स होने वाले हैं, और हमें एक पैनोरामिक नहीं एक नॉर्मल सनरूफ मिलती जो कि काफी बढ़िया है। ब्रेज़ा में भी सनरूफ मिलने लग गई और फॉर्च्यूनर अभी भी नहीं दे रहा। बाकी इसके बारे में कोई न्यूज मिलती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बलेनो बलेनो बलेनो, काफी दिन से ये कार काफी चर्चा में है क्योंकि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, काफी लोग इसको देखने का वेट भी कर रहे हैं। तो अब आपके सब्र का फल आपको मिल चुका है क्योंकि इसके फेसलिफ्ट की कुछ इमेजेस लीक हो चुकी है। बेसिकली इसके फ्रंट की और बैक की, जैसा आप फ्रंट में देख सकते हैं इसकी लाइट्स में थोड़ा सा चेंज किया गया है, एंड इसकी जो फ्रंट की लुक है वो सिमिलर है सियाज की तरह। और अगर हम बैक की बात करें तो बैक की टेल लाइट में चेंज किया गया है, टेल लाइट थोड़ी सी लंबी दिखाई दे रही क्योंकि एक्सटेंड कर दी है टेल गेट के अंदर तक। जो फोटोज लीक हुई वो आपके सामने है, बाकी एक छोटा सा अपडेट था। ह्यूंडई ने अपनी दो कॉन्सेप्ट कार को शोकेस किया है। आज की मॉडर्न कार्स में बिल्कुल ही उलट ये दोनों गाड़ियां लग रही हैं। फोटोज में आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही रेट्रो लुक में दोनों गाड़ियां हैं। बाहर से जितना क्लासिक है दोनों गाड़ियां, अंदर से उतना ही मॉडर्न है। इन दोनों कार्स का नाम है ग्रैंड्योर और पोनी। ये दोनों कार्स कोई नई नहीं है, ह्यूंडई इनको पहले भी बेचता था। एक्चुअली पर्पस क्या है इनको शोकेस करने का, वो ये कि ग्रैंड्योर ह्यूंडई की फ्लैगशिप कार में से एक रही है, जिसको अब ह्यूंडई एज़रा भी कहा जाता है। तो ह्यूंडई ने इसकी 35th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, जो कि कंपनी की पहली फ्लैगशिप लग्जरी व्हीकल रही है। तो इन दोनों कार्स का पुराना लुक उठाया और आज की मॉडर्न टेक के साथ कंबाइन करके हमें एक बड़ी तगड़ी गाड़ी हमें दिखाई है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर ये दोनों कार्स सही में प्रोडक्शन में आती है तो क्या आप इनको खरीदोगे। एंडेवर में एक बड़ा कमाल का फीचर आता है, ऑटो पार्क असिस्ट। अभी तो थोड़ा कॉमन हो चुका है, लेकिन जब एंडेवर नई नई लॉन्च हुई थी अराउंड 4 से 5 साल पहले, उस टाइम काफी यूनिक था, इवन फर्स्ट इन सेगमेंट था। अगर आप अपनी कार को पार्क नहीं करना चाहते तो आपकी कार आपके लिए खुद पार्क हो जाएगी, जस्ट आपको इसको इनेबल करना होगा, उसके बाद में कार आपको गाइड करेगी कि कब आपको बैकवर्ड लेनी कब फॉरवर्ड लेनी है। आप उस टाइम स्टेयरिंग पे से हाथ छोड़ सकते हैं, स्टेयरिंग खुद कंट्रोल करेगी, कार खुद स्पेस ढूंढेगी और खुद पार्क हो जाएगी।
दैट्स इट। XUV 700 में एक बड़ा अच्छा फीचर आता है जिसको बोलते हैं ऑटो लेन असिस्ट। ये एक सेफ्टी फीचर है, काफी बार कार्स लेन चेंज कर लेती है, मे बी ड्राइवर सो जाता, कोई भी रीजन हो सकता है और इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इससे बचने के लिए एक फीचर आता है लेन असिस्ट। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपकी कार लेन को चेंज करती है तो आपको वो अलार्म देती है स्टेयरिंग वाइब्रेट करके या फिर बीप की साउंड से, किसी भी वे से वो आपको इंडिकेट कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास XUV 700 है तो इसमें मिलता है हमें ऑटो पार्क असिस्ट। इसमें क्या होता है, अगर आपका ऑटो पार्क असिस्ट ऑन है तो आपकी कार जैसे ही लेन को चेंज करने की कोशिश करेगी आपको इंडिकेट तो करेगी ही, लेकिन वो खुद को स्टेयर करके खुद ब खुद लेन में बनी रहेगी, बेसिकली लेन चेंज ही नहीं कर पाएगी। कैसा था फीचर, मस्त था ना। XUV 700 में एक बड़ा कमाल का फीचर आता है जिसको बोलते हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। आपने काफी सारी कार्स में सुना होगा क्रूज कंट्रोल आते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप किसी एक स्पीड पे कार के लिमिट को सेट करते हैं एंड उसी स्पीड पे कार चलती रहती है अनलेस आप उस पे ब्रेक या एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर सामने कोई कार आ जाती है तो आपको ब्रेक अप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी कार सामने वाली कार को हिट भी कर सकती है। लेकिन XUV 700 में ऐसा नहीं है, उसके अंदर हमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। उसके अंदर क्या होता है, अगर आपकी कार क्रूज कंट्रोल पर सेट है एंड सामने कोई कार आ जाती है तो आपकी कार सामने वाली कार को मॉनिटर करती है, उसकी स्पीड को मॉनिटर करती है, उसके बाद में खुद की स्पीड को कम कर लेती है एंड आप जैसे ही लेन को चेंज करते हैं वो वापस अपनी नॉर्मल स्पीड पर आ जाती है जो आपने सेट की है। अगर आप ऐसे ही फीचर्स की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड जितना मर्जी हो सके उतना शेयर करो। धन्यवाद।